हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। मनपा के चुनाव बस आने वाले हैं। 1 अगस्त को चुनाव है, 3 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। उम्मीदवार अपनी ओर से पूरा जोर लगा रहे हैं कि वही चुन के आए। हमारे साथ एक युवा उम्मीदवार है, विराज कावड़िया, जो शिवसेना की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। युवा शक्ति के माध्यम से काफी सारे काम इन्होंने किए हैं। आज हम इनके साथ हैं और बातचीत करते हैं इनसे। विराज, सबसे पहले तो आपका परिचय दीजिए। नमस्कार, मी विराज कावड़िया, शिवसेना पक्षाकडून अधिकृत रीते उम्मेदवारी करत आहे, प्रभाग क्रमांक 6 ड मधून। विराज, राजनीति में क्यों आए और जीत के आओगे तो क्या करने का प्रयास रहेंगे? मागील 10 वर्षापासून युवा शक्ति फाउंडेशन विविध सामाजिक सेवा संस्थेतर्फे मी सामाजिक कार्य करीत आलेलो आहे। ज्या प्रकारे होईल त्या प्रकारे लोकांना मदत करत आलेलो आहे। एका प्लॅटफॉर्मची, एका मंचाची मला गरज होती की अजून मोठ्या रीते मी काही काम करू शकणार, त्यासाठी मी महानगरपालिकेची निवडणूक लढवत आहे। 1 तारखेला मतदान आहे आपल्याकडे आणि 3 तारखेला मतमोजणी आहे। नागरिकांचा प्रतिसाद पाहता मला 100% विश्वास आहे की आमचा पूर्ण पॅनल 4 सीटा शिवसेनेच्या प्रचंड बहुमतांनी विजयी होणार। सुरेश दादांना मागील 35 वर्षापासून जळगावकर नागरिक, युवा, महिला वर्ग सर्व मोठ्या प्रमाणात मदत करत आलेले आहे, आशीर्वाद देत राहिलेले आहे। त्यांच्याच नेतृत्वात आम्हालाही मदत राहील आणि आम्ही 100% निवडून येऊ आणि आल्यावरती लोकांचे मागील वर्षाप्रमाणे कामं करत राहू। येथे विराज कावडिया, जो पूरी तरह से विश्वास के साथ ये कह रहे हैं और ये जानते हैं कि इनकी जीत निश्चित है। आने वाले 3 तारीख को पता चलेगा कि क्या होता है। फिलहाल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मतदान जरूर कीजिए। हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।